स्किन को डेली किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स एज से पहले ही आना शुरू हो जाती हैं। स्किन पे चमक नहीं रहती, स्किन डल, बेजान और ड्राई दिखती है। और अगर घर पर ही मौजूद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम अपनी स्किन की केयर करते हैं, अपनी स्किन को एजिंग आने से रोकते हैं, स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स को आने से जो है वो रोकते हैं, तो उसके लिए इससे अच्छी और चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। क्योंकि केमिकल मिले प्रोडक्ट्स जब हम यूज़ करते हैं, तो जब हम उन्हें यूज़ करना छोड़ देते हैं, तो उनका बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे नज़र आता है। थोड़ा सा 10 मिनट आपको निकालने पड़ेंगे अपनी स्किन केयर के लिए, और आपकी स्किन बहुत ही यूथफुल, ब्राइट और बहुत ही खूबसूरत रहेगी। उसके लिए मैंने कोकम्बर लिया था, तकरीबन मीडियम साइज़ के हाफ कोकम्बर को मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया, तो इसका मुझे तकरीबन 3-4 टेबल स्पून जो जूस है वो मिल जाएगा। कोकम्बर नेचुरली स्किन को ब्लीच करता है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज़ करता है, और इसको अगर आप रेगुलर अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं, तो आपकी स्किन बहुत ही प्लम्पी, सॉफ्ट और ब्राइट दिखती है। तो इस तरह से आप ग्रेटर से कोकम्बर को ग्रेट कर लें, स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें, या अगर आप किसी सूती कपड़े से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमें इस रेमेडी को बनाने के लिए तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ही कोकम्बर का जूस चाहिए, जो कि मैंने इस तरह से ग्रेट करके ले लिया है। अभी इसमें हम जो अपना अगला इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये एक मैजिक की तरह काम करेंगे। ये है एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल प्लांट का मैंने एक लीफ लिया था और उसे मैंने काट कर तकरीबन 15 मिनट के लिए पानी में रख दिया था, ताकि उसका सारा येलो पिगमेंट जो है वो निकल जाए, और उसके बाद मैंने इस तरह से उसमें से फ्रेश एलोवेरा जेल ले लिया है, जो कि तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ही है। दोनों चीज़ों को आपने बराबर मिकदार में लेना है और इन्हें खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्किन डल हो, ड्राई हो, और स्किन जब ड्राई होती है तो तभी स्किन पे रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, स्किन पे नेचुरली लचक नहीं रहती और स्किन जो है वो बिल्कुल ही रूखी और बेजान लगती है। तो ये उन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव चीज़ है। आप इसे बना के इस तरह से 1 वीक तक जो है वो फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, क्रैक्स आ चुके हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल, कोकोनट ऑयल, या फिर आप इसमें जो भी आपको ऑयल सूट करता हो, आमंड ऑयल भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड करूँगी, ये तकरीबन 8 टेबल स्पून जो हमारे पास है, दोनों ही चीज़ें 4 टेबल स्पून एलोवेरा का जेल और 4 टेबल स्पून ही हमारे पास कोकम्बर का जूस है, तो उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इन तीनों चीज़ों को हमें खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप अपनी इसे नाइट क्रीम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे लगाने के बाद आपको कोई भी नाइट क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज होगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन से दाग धब्बे जो हैं वो भी साफ़ होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोकम्बर जो है वो स्किन को ब्लीच करता है और एलोवेरा जेल स्किन से एक्नी को, फंगस को दूर करती है और जो दाग धब्बे होते हैं उसे रिमूव करती है। बहुत लाइट है, बिल्कुल भी आपको इसे लगाने के बाद अपनी स्किन पे चिपचिपाहट, किसी भी किस्म की जो भारीपन है वो फील नहीं होगा। दिन में भी आप जब भी ऐसे काम वगैरह कर रहे हो अपने घर में, तो आप इसे अपनी स्किन पे लगा लें और 2-3 आवर्स के बाद आप अपने फेस को खूब ठंडे पानी से वॉश कर लें। नाइट में अगर आप लगाते हैं तो इसे लगा के आप पूरी नाइट के लिए छोड़ दें, और मॉर्निंग में जब आप अपना फेस वॉश करेंगे तो आपको किसी भी किस्म का कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा। आप इसे फ्रिज में इस तरह से साफ़ सुथरी डिबिया में डाल के या किसी ड्राई कटोरी में डाल के रख लें और 1 वीक तक यूज़ करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब